कहे मेरे साथ में, इब्रानियों 4:12 में बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा और गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरे साथ में घोषणा करें, मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर का वचन मेरे अंदर कार्य कर रहा है। ऐसी घोषणा करें जैसे मतलब हो आपके जीवन में, मेरे व्यक्तित्व के हर एक कण में और मेरे शरीर के हर एक हड्डियों में, मैं जैसे ही उसके वचन को अपने अंदर ग्रहण करता हूं, ये मेरे आत्मा प्राण और शरीर में बहने लगता है, ये मेरे कोशिकाओं के अंदर और मेरे हड्डियों के गुदों में जाकर सफाई करता है और ताजगी लेकर आता है। आत्मा की जीवन की व्यवस्था मसीह यीशु में मेरे अंदर कार्य करती है। आत्मा की जीवन की व्यवस्था, आत्मा की जीवन की व्यवस्था मेरे अंदर कार्य करती है, मेरे अंदर कार्य करती है। अनंत जीवन मेरे अंदर मुझे ताजगी प्रदान करते हुए बह रही है। अनंत जीवन मुझ में है, मैं रोगी नहीं हो सकता क्योंकि अनंत जीवन मेरे लहू में बह रही है। मैं रोगी नहीं हो सकता क्योंकि अनंत जीवन मुझ में बह रही है। अनंत जीवन मुझ में बह रही है, वह मेरे लहू में है। महान है वह जो मुझ में है, उससे जो इस संसार में है। महान है वो जो मुझ में है, उससे जो इस संसार में है, उससे जो इस संसार में है। मैं विजेता हूं, मैं यीशु के सामर्थ से सब कुछ कर सकता हूं। यह सामर्थ मुझे शक्ति प्रदान करती है सब कुछ करने के लिए। जिस आत्मा ने यीशु मसीह को तीसरे दिन जीवित किया, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को तीसरे दिन जीवित किया है, वह मुझे सामर्थ प्रदान करती है। वही आत्मा मुझे सामर्थ प्रदान करती है, मुझे शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए मैं उसके द्वारा जी सकता हूं। अनंत जीवन में जिस आत्मा ने यीशु मसीह को सामर्थ प्रदान की, वह मुझ में है, वह मुझ में रहता है, वह मेरे अंदर है, वह मुझे अंदर से जीवन प्रदान करता है। मैं घोषणा करता हूं, मेरे अंदर जीवन है, वह लहू मेरे अंदर है, उसका लहू मेरे अंदर है, उसका वचन मेरे अंदर है। जो जीवन मुझ में है वो मेरे लहू के कारण नहीं, जो जीवन मुझ में है वो मेरे लहू के कारण नहीं, मगर उसकी आत्मा के कारण है। मैं अपने खून से संक्रमित नहीं हो सकता क्योंकि उसका जीवन मेरे खून में है। मैं अपने जीवन में विजय से भरकर हूं और बीमारियों और गरीबी और दुष्ट आत्माओं पर राज करता हूं। मैं आशीषित हूं, मैं अपने जीवन में आशीषों का आनंद उठाता हूं, मैं परमेश्वर के वचन पर चलता हूं। इसीलिए उसका वचन मेरे जीवन में बाइबल के परिणाम को लाता है। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे पता है मैं कौन हूं। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे पता है मैं कौन हूं। मैं आपका बेटा हूं जिसके लिए आपने यीशु मसीह को भेजा। आपका वचन मेरे कोशिकाओं में है, मेरे दिल में है, मेरे
हड्डियों में है, मेरे बालों में है, मेरे मांसपेशियों में है, मेरे विचारों में है, मेरे आंखों में है, मेरे पलकों में है, मेरे आदतों में है, और मैं आपके वचन से घिरा हुआ यीशु के नाम में, आमेन, हालेलुया।